हेलो। अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे इतकी काय गए करतेस तू? वैसे तो तुम मुझे फोन नहीं करती, लेकिन आज बेटा आ रहा है तो तीन तीन बार। बस निकल ही रहा हूँ मैं। आहो किती वेळ लावला तुम्ही? बरं चल आता हे घ्या। आपको पता है ना घर में और कितने काम बाकी है। क्यों परेशान हो रही हो? जानता हूँ तुम वीर को बहुत मिस करती हो। अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा वो। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पहली बार देश ने ऐसा आतंकी हमला देखा और इन ब्लास्ट ने मुंबई पुलिस और आम आदमी को उस चीज से वाकिफ करवाया जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, आरडीएक्स। मुंबई पुलिस इस केस पर दिन रात काम करती रही और जिस ऑफिसर ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके सिर्फ 48 घंटों में इस केस को सॉल्व किया वो थे इंस्पेक्टर कबीर शराफ। मगर सर सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड बिलाल अहमद और टाइगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। जर्नलिस्ट की ये खबर बिल्कुल सही थी। ब्लास्ट से दो दिन पहले टाइगर और बिलाल देश छोड़कर भाग चुके थे। टाइगर ईरान चला गया और बिलाल अहमद पीओके उमर हफीज के पास। उमर हफीज आईएसआई के सारे गैर कानूनी काम करता था और 93 ब्लास्ट के बॉम्बर्स को एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग भी उमर के जरिए ही दी गई थी। हमने ये भी सुना है कि मुंबई में 1000 किलो आरडीएक्स लाया गया था जिसमें सीरियल ब्लास्ट में सिर्फ 400 किलो यूज हुआ है और 600 किलो अब भी मिसिंग है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? किसी को नहीं पता था कि इन्फॉर्मेशन सच थी या एक अफवाह, मगर सिर्फ कबीर शॉफ जानता था कि वो 600 किलो आरडीएक्स इंडिया में ही कहीं दफन है और उसे दफन करने वाला कोई और नहीं बिलाल अहमद है। बताओ मैंने शादी क्यों नहीं की? मेरी लेंस खुली आइडियट्स। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, दिस इज मिस्टर नायर फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो। दिल्ली से आया हूं। जाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। रियाज हफीज के अरेस्ट होने के ठीक 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई। जैसा